आज रोज़े ज़रबत अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहि सलाम है। 19वीं रमज़ान सन 40 हिजरी को हज़रत अली अलैहि सलाम के सर पे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई थी, जिससे हज़रत की शहादत वाक़ हुई थी। आज सारी दुनिया में हज़रत अली अलैहि सलाम का गम मनाया जा रहा है। आप देखें कि आज लखनऊ में यह आलम है, इराक़ में मस्जिद कूफा में भी यही आलम है, पूरी दुनिया में यही आलम है, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की खिदमत की है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से कुछ लिया नहीं है, बल्कि इस दुनिया को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ दिया है। आज का ये ताबूत याद है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब ज़ख्मी हुए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिली मिलीटाल के घर तक लेके आए थे, तो उसी की याद में आज ये ताबूत गिलीम वाले ताबूत के नाम से मशहूर है। और ये मस्जिद कूफा से उठ के मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब के मकान वाक़ पाटा नाला लखनऊ में जाके तमाम होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे दौर इख्तदार में, मेरे दौर हुकूमत में एक शख्स ऐसा लेके आओ जिसके पेट में रोटी ना हो, जिसके सर पे छत ना हो, जिसके तन पे लिबास ना हो। ज़माना हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने लाखों का लश्कर तो लेके आया, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने एक भूखा ना ला सका। अल्लाह अल्लाह, आज उन्हीं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लग चुकी है। आज एहसास होगा यतीमों को कि हम यतीम हैं, असीरों का एहसास होगा हम असीर हैं, इसलिए कि जो रातों को यतीमों की, असीरों की, गरीबों की खबर लेता था, आज वो ज़ख्मी हो गया है, अब कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है।